आम चुनाव है। इस बीच प्रमुख दावेदार माने जा रहे इमरान खान न केवल जेल जा चुके हैं बल्कि उन्हें फांसी की सजा तक के कयास लग रहे हैं। जी हां, एक वक्त पर पाकिस्तानी सेना ने ही इमरान को सर्वोच्च पद तक पहुंचाया था, अब वही उसके खिलाफ खड़ी है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री पर अगर सेना से बगावत के आरोप पक्के हो जाए तो मौत की सजा तय है। अब पूरा मामला क्या है ये समझना जरूरी है। पिछले साल 9 मई को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस, मियावली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई बिल्डिंग समेत एक दर्जन सैन्य ठिकानों में जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। यहां तक कि रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ। जांच के दौरान ये पाया गया था कि हमला इमरान के कार्यकर्ताओं ने किया। अब इस पूरे मामले में बाकियों समेत इमरान पर भी केस चल रहा है। उन्हें इस अटैक का मास्टरमाइंड तक कहा जा रहा है। इमरान खान क्या कहते हैं अपने पक्ष में? उनका कहना है कि उन्होंने नहीं बल्कि खुद सेना ने ही हमले कराए। ये सारा अटैक लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था। असल में इमरान का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोबारा सेना की गुड बुक में आ चुके हैं, वो इसके जरिए दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। सारी चीजें सोच समझकर प्लानिंग के साथ हुई है, उन्हें फंसा दिया गया है ताकि उनकी पार्टी सत्ता से दूर हो जाए। पाकिस्तान में सेना हमेशा से ही सबसे ज्यादा ताकतवर बॉडी रही है, यही कारण है कि यहाँ सैन्य सरकारें बनती रही हैं। इस आर्मी एक्ट में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि उसके खिलाफ दिखाई दे रहे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी तक मिल सकती है। साल 1952 में बने आर्मी एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों से लेकर आम लोगों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका सेशन 59 कहता है कि कोई भी अगर देश के खिलाफ कोई एक्शन ले या फिर सेना या सुरक्षा बलों पर हमला या उसकी साजिश करे तो उसे उम्र कैद से लेकर फांसी भी हो सकती है। अब तक किन्हें सजा हो चुकी है जानना भी जरूरी है। इसी धारा के तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी गई थी। सेना का आरोप था कि वो भारत की तरफ से जासूसी कर रहे थे। इस धारा से पाकिस्तानी लोग भी बचे नहीं, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इदरीस खट्टक को जासूसी के आरोप में 14 सालों की कैद की गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सेना एक्ट के जरिए मासूम लोगों को भी पकड़कर सजा मिलती रही है। खुद इमरान के कार्यकाल में 20 आम नागरिकों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अभी केस का स्टेटस क्या है? इमरान खान पर करीब 150 मामले चल रहे हैं, जिनमें से सैन्य ठिकानों पर हमला भी एक है। मई में हुए हमले का ये मामला पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। चश्मदीदों की माने तो जिन्होंने गवाही दी है इमरान ही इस अटैक के कार्यकर्ता धरता है। फिलहाल पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने मिलिट्री कोर्ट को फैसला सुनाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आज नहीं तो कल ये फैसला आ ही जाएगा। पाकिस्तान का इतिहास भी ऐसा रहा है कि वहां सेना को चुनौती देने वाले बच्चे नहीं रहते। पूर्व पीएम इमरान को पहले ही 3 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। पहला केस तोशखाना है, इसमें सरकारी खजाने में सेंध लगाने के आरोप में खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी दोनों को 14 सालों की कैद और जुर्माना लगा है। दूसरा मामला साइफर केस है। खान ने अपने वायदे के लिए ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जिसे गोपनीय माना जाता है, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका को भी अपने लपेटे में लेने की कोशिश की थी। तीसरा केस गैर इस्लामिक ढंग से शादी का है। खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी ने तब विवाह किया जब बुशरा की इद्दत की अवधि पूरी नहीं हुई। ये इस्लामिक तौर तरीकों के खिलाफ है। अब देखना है कि इमरान के अपने आप को बचा पाते हैं।